उत्तर प्रदेश के ग्राम चौकीदार यूनियन एक्ट के बैनर तले संयुक्त रूप से हजारों ग्राम पहरी चौकीदारों ने राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर लखनऊ के इको गार्डन पर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सभी ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एक मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। ग्राम प्रहरी चौकीदारों को संबोधित करते उत्तर प्रदेश ग्राम प्रहरी यूनियन के प्रदेश संयोजक रामानंद पासवान ने कहा कि यदि हमारी मांग सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई तो आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में सरकार का बहिष्कार करेंगे। हमारा नाम जितेंद्र यादव है, मैं देवरिया कोतवाली का चौकीदार हूँ, मेरा जिला देवरिया है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांग है कि ग्रामीण चौकीदारों को चतुर कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरी मांग है कि चतुर कर्मचारी पूरी होने तक 18,000 वेतन दिया जाए और चौकीदारों को सारी दुर्घटना बीमा किया जाए। यदि मांग नहीं पूरी होगी तो? यदि मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग आज समस्त चौकीदारों द्वारा ये ऐलान हुआ है कि आने वाले 12 फरवरी को विधानसभा और मुख्यमंत्री का आवाज करने का काम करेंगे। अभी यहाँ पर आप धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, कोई भी अधिकारी आकर आपसे ज्ञापन लिया या आपने दिया कहीं पर? जी, अभी अधिकारी आए थे, वो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि 5 तारीख के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराएंगे और आप लोग की बात का वहाँ समस्या उठाएंगे। उनसे मांग, अगर उनसे मुलाकात होगी तो आप क्या बात रखेंगे? उनसे मुलाकात होती है तो हम यही कहेंगे कि हमारे समस्त उत्तर प्रदेश चौकीदारों को चतुर कर्मचारी घोषित किया जाए। अगर मांग ना पूरी हुई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या इसका असर देखने को मिलेगा? जी, हम लोग पूरे प्रदेश में 1 लाख चौकीदार हैं। हम लोग का परिवार हम लोग आने वाले समय में एक परिवार से 10 वोट काटेंगे, ये 10 लाख वोट काट कर इनको हराने काम करेंगे।